अनेक साधक, मित्र, जिज्ञासु इत्यादि लोग मुझसे समय समय पर अनेक जिज्ञासाएं करते रहते हैं। उनमें से एक बात काफी दिनों से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं, आप इसके विषय में कुछ बताएं। बहुत समय तक तो मैं उन्हें टालता रहा, फिर एक दिन मैंने उनसे कहा कि यहाँ दो तीन बहुत बड़ी समस्याएं हैं इस विषय पर चर्चा करने की। सबसे पहली समस्या तो यह है कि यदि मैं कह दूंगा हाँ पुनर्जन्म होता है, तो आपका अगला चरण होगा कि आप मुझसे उसके प्रमाण मांगेंगे कि प्रूफ बताइए पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, इसके प्रमाण दीजिए। अब प्रमाण मैं दूंगा तो आप समझेंगे कैसे, क्योंकि उसको समझने के लिए उस तल तक तो जाना बहुत आवश्यक है ना। तो मैंने उनको विज्ञान से जुड़ा एक छोटा सा प्रमाण दिया। मैंने कहा पहले तो आपका ये प्रश्न कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता होता है या नहीं होता। मैंने कहा फिर भी कुछ तो, कुछ ने कहा नहीं होता। तो मैंने कहा जब आप मान ही चुके नहीं होता तो मेरे कहने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक बौद्धिक खुजलाहट होती है कि जो चाहती है कि कुछ उत्तर तो मिले। तो मैंने कहा चलो विज्ञान के माध्यम से हम बात करते हैं, क्योंकि बुद्धि में विज्ञान सीधे सीधे समा सकता है, अध्यात्म सीधे नहीं समा सकता, क्योंकि अध्यात्म का समाना बुद्धि के साथ है ही नहीं। अध्यात्म का सीधा संबंध हृदय के साथ है। हृदय के माध्यम से होती हुई बात बुद्धि तक पहुंचती है, ये अलग बात है। मैंने उनसे पूछा रिसाइकल होता है या नहीं होता। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल होता है रिसाइकल, इनका प्लास्टिक, कांच, लोहा, ये सब रिसाइकल हो रहा है। वे बोले हाँ हो रहा है। पानी भी रिसाइकल होता है, वाटर साइकिल, उन्होंने कहा होता है। तो मैंने कहा जब संसार में हर चीज रिसाइकल हो रही है, पेड़ पौधे, शरीर, हर चीज, तो फिर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता। पुनर्जन्म एक आध्यात्मिक नाम है रिसाइकल का, सीधी सीधी बात यदि समझनी है तो। इंग्लिश में उसे, विज्ञान की भाषा में उसे रिसाइकल कह देते हैं और अध्यात्म की भाषा में पुनर्जन्म। एक भाषा का हल्का सा रोड़ा ही आपको अटका देता है। अब रही बात की आपकी समझ में क्यों नहीं आता कि पुनर्जन्म है या नहीं, व्यक्ति के संबंध में, देह के संबंध में, कि उसी आत्मा ने फिर नया शरीर धारण किया। तो जब मनुष्य जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद से जो पहला काम होता है कि उसकी बुद्धि पर लेयर्स डलनी शुरू हो जाती हैं, एक एक चीज की लेयर। बचपन में एक नए परिचय की लेयर परिवार देता है, समाज देता है, उसको नई आइडेंटिटीज दी जाती हैं, बहुत सारी पहचानें, पड़ोसी की, मित्र की, परिवार की, और परिवार के इतने रिश्तेदार। उसके बाद वो विद्यालय जाता है, विद्यालय में जो पढ़ाई की जो परतें हैं, इतनी लेयर्स डलती हैं पढ़ाई की एक के ऊपर एक, और वो डालनी पड़ती हैं लगातार। पढ़ाई के साथ साथ फिर अब तो समाज में इतनी सारी चीजें आ गई हैं, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और न जाने कितने कितने प्रकार की ऐसी चीजें, उन सब के साथ भी बुद्धि संयुक्त रहती है। तो बुद्धि पर इतनी लेयर्स पड़ती जाती हैं, इतनी लेयर्स पड़ती जाती हैं कि पीछे लौट कर जो अंतिम लेयर रही, उससे भी पीछे की जो लेयर रही, वहां तक पहुंचने की शक्ति नहीं बचती, ना बुद्धि काम करती। अब सागर की जब बहुत गहराई में हम गोता लगाएंगे तभी तो मोती मिलेंगे ना। तो होता क्या है, उतने गहरे में गोता लगाने के लिए बहुत गहरी शांति चाहिए कि आपकी बुद्धि के ऊपर, आपके मन के ऊपर जितने भी अनावश्यक परतें हैं वो ना हो। जब वो सारी परतें हट जाएंगी तब आप पीछे देखने में सक्षम हो। आप देखते हैं जरा सी धुंध पड़ती है तो आप इतने बड़े महातेजस्वी सूर्य को नहीं देख सकते। वो जरा सा कोहरा, जरा सी धुंध या जरा सी बदली एक इतने बड़े सूर्य को ढक लेती है। तो उसी तरह से जो पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां हैं वो वर्तमान जितनी हमारी लेयर्स हैं वो ढक देती हैं और हम नहीं देख पाते। अब सवाल है कि इस बात पर भरोसा करना कि पुनर्जन्म होता है। तो भगवान बुद्ध ने अपने
पिछले जन्मों का वर्णन किया है। इस प्रकार से अनेक बुद्ध पुरुष हुए जिन्होंने अपने पूर्व जन्म की बातें बताई। तो अब यहां हमें एक क्षण को ठहर कर ये सोचना है कि या तो हम ये मान लें कि बुद्ध जैसी जो चेतनाएं कह रही हैं वे सत्य नहीं कह रहे। अगर हमने इस बात को मान लिया तब तो सारी बातें समाप्त हो जाती हैं। तो फिर ये होता है कि जो हम जानते हैं वही ठीक है, जितने भी बुद्ध पुरुष महापुरुष जो जानते थे वो सब व्यर्थ है। जो भगवान कृष्ण अर्जुन से बार बार कह रहे हैं कि आत्मा अपना शरीर रूपी वस्त्र बदलती है, तो हम ये भी मान लें फिर जो कृष्ण कह रहे हैं वह भी सत्य नहीं है, तो मेरे कहने का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। असल बात यह है, मैंने अनेक बार ऐसे प्रश्न करने वाले लोगों से कहा कि तुम्हें क्या मतलब कि पुनर्जन्म है या नहीं है, तुम्हारा ये जन्म हुआ ना, इस जन्म को तो देखो, बस लौट लौट कर कि पीछे हम क्या थे, पीछे से अगर तुम जान भी लोगे क्या थे तो तुम्हारे जीवन का कोई विकास नहीं होगा और बड़ी समस्याओं में घिर जाओगे, क्योंकि ये बुद्धि अभी ही घर के या इधर उधर के दो चार कामों को संभालती है तो पगला जाती है, और पूर्व काल में लौट कर अगर देख लोगे तो जो भीतर की वायरिंग है वो इतना लोड नहीं सह पाएगी और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस बात को समझना है कि वर्तमान में हम जिस जीवन में हैं उस जीवन को पहले देखना है, उस जीवन से आगे की यात्रा को देखना है। अभी ध्यान करने के लिए मैं किसी को कहूं कि ध्यान करने बैठो, अनेक लोग मेरी बातों का बुरा मान जाते हैं कि जब मैं उनको ध्यान करने कहता हूं, उनको कहते हैं कोई सस्ती सी चीज बताओ, बस 5 मिनट हम कुछ एक एक्टिविटी कर लें, छोटी सी धूप बत्ती जलाने वाली या कोई मंत्र 5 मिनट का, बस 5 मिनट से ज्यादा ना हो। जहां जिससे मैंने 5 मिनट से ज्यादा बात की वो ऐसा बुरा माना कि मेरा साथ ही छोड़कर चला गया। तो ध्यान से सब बचते हैं, क्योंकि ध्यान क्या करता है, ध्यान आपके भीतर की सारी वस्तुओं को, उन चीजों को जो अनावश्यक है उनको भस्म करना शुरू कर देता है। ध्यान एक ऐसा यज्ञ है, एक ऐसा हवन है कि उससे उत्पन्न हुई अग्नि भीतर के सारी अनावश्यक चीजों को भस्म करना आरंभ कर देती है, यानी नेगेटिविटी को। अब जब वो नेगेटिविटी जलेगी तो वो अपनी रक्षा तो करेगी, तो सारी नेगेटिव फोर्स क्या कहती है कि वो जो तुम्हें पॉजिटिविटी की ओर ले जा रहा है उससे हट जाओ, उससे बचो। तो जरा सी नेगेटिविटी, आम इंसान है, आम इंसान के अंदर जरा सी नेगेटिविटी आके ऐसा बवंडर मचाती है, ऐसा चक्रवात मचाती है, ऐसा तूफान उठाती है कि वो क्षण भर में इधर उधर लोटपोट होके गिरता पड़ता दिखता है। आप देखिए ना, जरा सी नेगेटिविटी ने जो मंथरा ने केकई के मन में डाली थी, कितना बड़ा भूचाल आ गया। वो तो केकई तो कितनी बड़ी चेतना थी। तो आम इंसान के बीच में नेगेटिविटी इतना सा खेल खेलती है और वो पॉजिटिविटी से तुरंत दूर चला जाता है। तो उन लोगों से जो इन पुनर्जन्म की बातों में जानना चाहते हैं, मेरा यही निवेदन है कि वे छोड़े उन बातों को, और ये जो अभी जन्म मिला है इस जन्म के साथ उस ध्यान की यात्रा की ओर निकले। और हो सकता है हाँ, इस ध्यान की यात्रा में जाते जाते आपको पुनर्जन्म भी दिखाई देने लग जाए, वो अलग बात है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा दिखता है जो कल्पनातीत है, जो आप सोच भी नहीं सकते, बहुत कुछ ऐसा दिखता है और वो दिखना बताया नहीं जा सकता। कैसे बताइएगा, क्योंकि वो आपका निजी अनुभव है, और इस बहुत पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस को आप किसी को कह नहीं सकते, सिर्फ उसको कह सकते हैं जो इस अनुभव के दौर से गुजरा हो, वही समझ सकता है। तो आप किसी और को अगर ऐसी बातें बताएंगे तो हो सकता है कि वो आप पर बहुत गहरा अविश्वास करें, आपको पागल समझे, और पागल ही समझे जाते हैं ऐसे लोग। तो मूल प्रश्न है ध्यान की यात्रा पर निकलने का, भीतर के चैतन्य को छूने का, उस चिन्मय पुरुष के साथ साक्षात करने का जो हमारे भीतर परमात्म रूप में बैठा है, उससे हम बचते हैं, बस उससे ही मिलने से डरते हैं। और इसीलिए तो होता है कि जिन जिन लोगों को मैंने कहा बैठा करो, सिटिंग्स दिया करो मेडिटेशन के लिए, वो कहते हैं हम घबरा जाते हैं, 5 मिनट बैठने लगते हैं कि घबराहट शुरू हो जाती है। अनेक लोगों को मैंने असाइनमेंट्स दिए
कि महीने भर तक उनका एक छोटा सा मेडिटेशन रूम बनवाया या कॉर्नर, कि महीने भर तक यहाँ रेगुलर सिटिंग करनी है, और वो नहीं कर पाए। हजार बहाने कि रात को लेट, शादी से लौटे, कहीं और चले गए थे, ये हुआ वो हुआ। मैं उनसे कहता हूँ कि रात चाहे 1 बजे लौटे, 1 बजे लौट कर भी कपड़े तो उतारे, उतारे ना, कपड़े उतारने के बाद कपड़े बदले, और फिर एकदम तो नींद नहीं आ गई, बिस्तर में पड़े भी रहे, ट्रैफिक में भी रास्ते में फंसे रहे होंगे, तो ये समझ लो कि आधा घंटा और ट्रैफिक में फंसे रहे। और मैंने तो यहाँ तक लोगों को छूट दी कि अगर रात 1 बजे भी आए तो अपने ध्यान मंदिर में जाके, जो मेडिटेशन रूम या कॉर्नर है, वहीं पर जाके कपड़े बदलो। कपड़े भी नहीं बदलने, वहां जाकर 1 मिनट जाओ, नमस्कार करो और लौट कर बाहर आ जाओ। तो आप देखिए, जो परमात्मा की यात्रा पर जाने के लिए तड़पने की बात करते हैं, केवल बात करते हैं, जाना नहीं चाहते, एक फैशनेबल बात है कि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, उनको यदि कहा जाए कि ये परमात्मा का स्थान, और इस स्थान पर आपको रोज सिर्फ 1 बार नमस्कार करने आना है और 5 मिनट के लिए बैठना है, कुछ नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, जस्ट साइलेंट सेटिंग, सिट साइलेंटली, नथिंग टू डू, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बैठना है, वो बैठना उनको भारी पड़ जाता है। तो आप देखिए, और मैं तो उन लोगों को रेगुलर लगातार डांटता भी रहता हूं, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ऐसे ऊंचे ऊंचे ओहदे के लोग हैं जिनको डांटने वाला इस संसार में कोई बचा ही नहीं, बड़ी ऊंची पोस्ट के लोग हैं। अब जब इतनी ऊंची पोस्ट के लोग, उनको कौन डांटे, सारी दुनिया उनसे डरती है, और मैं उन्हें डांटता हूं, तो उनके उनका अहंकार भीतर का तड़पता है कि ये तो हमें डांटने लगा। वो सभी अकबर थोड़ी ना होते हैं जो रोए कि जो मुझे डांटने वाला था वो चला गया। जब तक तुम्हारे ऊपर कोई एक अनुशासन रखने वाला ना हो, तुम्हारे ऊपर डांटने वाला ना हो, जीवन की यात्रा नहीं हो सकती। अगर आप उस बिंदु पर पहुंच जाएं जहां आपको कोई डांटने वाला ही ना बचे, तो फिर तो बात खत्म, फिर यात्रा नहीं हो सकती आगे। कोई ना कोई ऐसा हो जो लगातार आप पर निगाह रख रहा है, आपको वॉच कर रहा है, और उसके बाद आपको आगे की यात्रा पर ले जा रहा है। इसीलिए हमारे प्राचीन काल में राजगुरु हुआ करते थे। अब राम है, राम राजा है, राम को कौन डांटेगा, किसकी हिम्मत की राम को डांट जाए आके। लेकिन हाँ, वशिष्ठ हैं, वो डांटेंगे राम को। राजा को भी तो डांटने वाला कोई चाहिए। तो अब राजाओं को डांटने वाले समाप्त हो गए हैं, जो उनके आसपास घिरे भी रहते हैं कुछ साधु संन्यासी या गुरु टाइप के लोग, वो सब उनकी खुशामदे करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, धन्य भाग समझते हैं कि एक राजनेता के साथ हम हैं। मेरे संपर्क में भी एक दो राजनेता आए, और वही हुआ जैसा होना चाहिए था, क्योंकि मुझे ना उनसे कोई लोभ ना भय, तो मैं तो डांटूंगा कई बातों को लेके। तो लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई उनको डांटे, मतलब जिसको सारा दिन जय जयकार सुनने को मिल रही हो, हर तरफ जिसकी स्तुति हो रही हो, लोग जिसकी पूजा कर रहे हो, जयगान कर रहे हो, हर तरफ तारीफें मिल रही हो, उसको लगता है कि यार ये एक व्यक्ति मुझे कहीं कहीं डांट देता है, तो यात्रा नहीं हो पाती। इसलिए पुनर्जन्म क्या है इस बात को छोड़ें, और वर्तमान जन्म को, इस जन्म को ध्यान की यात्रा के साथ जोड़कर उस विराट की ओर अपना मन लगाएं, अपनी चेतना लगाएं। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरी स्तुति कर, और अंततः तू मुझको ही प्राप्त होगा। तो मूल सार यही, उसके साथ जुड़ना है, बस जुड़ाव, और जुड़ाव का एक ही मार्ग, ध्यान। शब्द ईशान महेश के बारे में। ईशान जी हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान योगी भी हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हिमालय के अनेक रहस्यमयी महायोगियों और सन्यासियों की शीतल छाया में इन्होंने ध्यान योग को प्रसाद रूप में पाया है, और अपनी विभिन्न कार्यशालाओं तथा आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम में से उस प्रसाद को जनमानस में बांट रहे हैं।